क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अब कौन से ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड है? तो जो भी आपके साधारण जो लोग हैं फिजिकली मेंटली जो साधारण हैं, यानी उसमें 20% अप 20% डाउन तक एक क्राइटेरिया है जहाँ तक चलता है। हो सकता है कि कोई एक आदमी किसी एक मामले में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हो, दूसरे मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, क्योंकि हम कोई एक क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं कि गौतम बुद्ध के तरीके के लोग, महावीर के तरीके के लोग ठीक हैं, उसके ऊपर नीचे खराब हैं, या गांधी जी के तरीके के लोग या भगत सिंह जी के तरीके के लोग सही हैं, बाकी सब ऊपर नीचे खराब हैं। जनरल पीपल जो दिखाई देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90% पीपल, या उनके अंतर कितना होता है 5-10% का ऊपर नीचे, बिहेवियरल डिसऑर्डर रहता है, फिजिकल डिसऑर्डर रहता है, मेंटल डिसऑर्डर रहता है, तो वो चलता है। जिस तरह 100 डिग्री पर पानी जो है खौलने शुरू होता है, उसी तरह जब कुछ प्रॉब्लम्स बाहर से दिखाई देने लगते हैं, तब उसको बेसिकली डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में बांटा गया है। तो जो डिसेबल्ड पर्सन है, जिनको डिसऑर्डर है मेंटल कोई, तो वो सारे CWSN में आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में आते हैं। तो इसको, इस चैप्टर का जो 2-4 मेन पॉइंट है, पहला है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, या डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर है क्या। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन का दिया हुआ है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन, किसी भी जो हम बॉडी का फंक्शन कर उसको अगर लिमिट कर दिया गया किसी भी कारण से, लिमिट हो गया है या आपका हाथ नहीं इसलिए, या दिमाग से आप फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए, तो डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। फिर से सुन लीजिए, ए डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये आपका हो गया डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी का डिफिनेशन तो आप मन में दोहरा लीजिएगा, डिफरेंट बुक्स में, WHO का भी डिफिनेशन इसी तरह का है। डिसऑर्डर क्या है? तो अभी तो फिलहाल डिसऑर्डर जो है, क्लास 12 में हम आपको 5 तरह का बेसिक डिसऑर्डर पढ़ना था, ADHD, SPD, ODD, AST, तो ये जो है अभी इस बार से हटा दिया गया है। लेकिन ये डिसऑर्डर असल में मेंटल डिसऑर्डर के रूप में है। लेकिन उसका डिफिनेशन क्या, डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट, किसी भी तरह की एक बीमारी है, किसी भी तरह का एक डिजीज है। तो डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, हिंडर्स ए पर्सन एबिलिटी, जो हिंडर करता है, डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, हिंडर्स ए पर्सन परफॉर्मेंस एंड डिमिनिश हिज और हर इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी को, काम करने की इफिशियंसी को कम करता है। तो इसको भी याद करने के, इसको 3 भाग में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट है Disorder is any element that disturbs the health of a person, hinders a person's performance and diminishes his or her efficiency, diminish करता है, खत्म करता है his or her efficiency। तो ये आपका concept disability disorder है। Second आपका है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। बेसिकली 3 टाइप का है। पहला तो है कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कॉग्निशन से बना है। कॉग्निशन यानी दिमाग से हम किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, उसको कॉग्निशन कहते हैं। किसी चीज को पहचानते, उसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी है। तो हम चीजों को पहचानते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, कभी ना कभी मैंने पढ़ा है, उसकी मेमोरी ब्रेन में है, कुछ ना कुछ मेमोरी इस कंसेप्ट के बारे में है ब्रेन में, तभी मैं बोल पा रहा हूं। तो यानी मेमोरी डिसऑर्डर अगर हो जाए किसी को, 3 पार्ट में ये है। पहला मेमोरी डिसऑर्डर, तो अगर मेमोरी डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया तो वो कॉग्निशन नहीं कर पाएगा। तो कॉग्निटिव एबिलिटी का पहला है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी अगर पूरी तरह से वैनिश हो जाए, पूरी तरह से अगर किसी की खत्म हो जाए, तो आदमी अपना चेहरा भी शीशा में देख के नहीं पहचान पाएगा। यानी मेमोरी बहुत पावरफुल चीज है, और जैसे जैसे उम्र बीतता है, तो जो सबसे बड़ा चीज होता है हिप्पोकैम्पस, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, वो इफेक्टेड होता है, और धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ज्यादा होते देखा गया है।
जैसे जो सिजोफ्रेनिक लोग होते हैं, जैसे हमारी माता जी का की जो है मेमोरी बड़ी शार्प थी दूर की, अभी अंतिम दिनों में भी वो रश्मि रति की पंक्तियाँ या कहीं कहीं की पंक्तियाँ बोल लेती थी, लेकिन अभी सुबह नाश्ता जस्ट किए कि नहीं किए, दवा लिए कि नहीं लिए, ये चीज़ का लॉस हो गया था। और जो है लंबी लंबी जो दूर की चीज़ें हैं फिर भी याद थे, बहुत सारी बहुत सारी, सभी नहीं लेकिन बहुत सारी याद थे। तो यानी कि मेमोरी डिसऑर्डर पहला है, उसी से कॉग्निशन और रिकॉग्निशन होता है, इसी का जब लॉस ज़्यादा हो जाता है तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति लोग अपने बच्चों को ही नहीं पहचान लगते हैं ठीक से। सेकेंड होता है हाइपर एक्टिविटी। अब ब्रेन में अगर बहुत हलचल हो रहा है ना, तो आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, तो वहां भी कॉग्निशन गड़बड़ाता है, आप ठीक ढंग से बिहेव नहीं कर पाते हैं, ठीक ढंग से बॉडी और ब्रेन में जो है संबंध नहीं स्थापित हो पाता है, तो यहाँ भी कॉग्निशन, कॉग्निटिव एबिलिटी। और थर्ड है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया जो है ये आपका चार तरह का है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो विजुअल डिसलेक्सिया होता है, जैसे एक होता है स्पीच डिसलेक्सिया, जिसमें कि आपको बोलने में दिक्कत होती है, आप चाहते हैं जो बोलना वो आवाज़ नहीं निकलता, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ सबका होता है, अगर आप बहुत लंबा बोल रहे हैं या मैं ही बहुत लंबा यहाँ बोल रहा हूँ, तो कोई कोई ब्रेन के फंक्शनिंग में शब्द कहीं और चल जाएंगे, ब्रेन कहीं और जा रहा है, तो बोलने में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं स्पीच इधर उधर हो सकता है, लंबे स्पीच को अगर ध्यान सुनिए किसी का भी, वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर का भी सुनिएगा, तो कहीं ना कहीं 15 मिनट में एक दो तो निकल ही जाएगा कि फंबलिंग हुआ या कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन जनरल ज़्यादा मिस्टेक होता है तो उसको स्पीच डिसलेक्सिया कहते हैं। और विजुअल में डिसलेक्सिया में क्या होता है, जैसे आप शब्द पढ़ते हो, शब्द या तो वेग होगा या उल्टा सीधा नजर आएगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल, अगर लोग आप लोग में से कोई मूवी देखते होंगे तो तारे जमीन पर जो मूवी थी, उस मूवी में जो बच्चा था उसको विजुअल डिसलेक्सिया था, तो वहां पर शब्द इधर उधर उल्टे सीधे नजर जो आते हैं, तो इसके द्वारा भी आपका कॉग्निशन गड़बड़ाता है, यानी चीजों से आप ठीक से जुड़ नहीं पाते हैं, सही से जुड़ नहीं पाते हैं। और ये तो तीन चीजें हो गई आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में। सेकंड तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या, रैशनल थिंकिंग जब नहीं हो पाता, जैसे अगर आप कुछ सोच रहे हैं उसके पीछे कोई क्लियर लॉजिक नहीं है, या फिर क्लियर लॉजिक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर तीन चित्र है और चौथा चित्र क्या होगा वो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, जनरल जो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, इंटेलिजेंट एबिलिटी को नापने के लिए, जानने के लिए, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जानने और समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रैशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो सिंपल भी, जैसे 1 4 8, तो पहला में 3 दूसरा में 4 का अंतर आ रहा है, तो चौथा में 5 का अंतर आना चाहिए, एक सीक्वेंस आपको समझ में आया, या किसी भाषा में इसको डॉग को ये कहा जाता है तो दूसरे को क्या कहा जाएगा, तो अगर उसमें आप संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, या विजुअल हो या फिर लॉजिकल हो, रैशनल हो, आप कर पा रहे हैं तो आप ठीक है, और अगर थोड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी कारण से किसी का अचानक में वो सब खत्म हो रहा है, यानी आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनकी होती है उनका आईक्यू लेवल जो है काफी कम होता है। आईक्यू जो है उसका एक पैमाना दिया गया है पूरी दुनिया में, कि जनरल जो क्वेश्चंस के अगर रैंडमली सिलेक्ट हो, कुछ विजुअल्स हों, कुछ न्यूमेरिकल हों, कुछ जो है आपके रैशनल हों, और कुछ जो है अल्फाबेटिकल हों, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनका समूह होता है, किसी किसी का कोई एक पार्ट बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का होता है जो ग्राफिकल पार्ट होता है बड़ा मजबूत होता है, किसी किसी का होता है रिटेन पार्ट बड़ा मजबूत होता है, कुछ कहानी कविता बहुत जल्दी याद होता है, तो सबका अलग अलग है, उस बारे में सबकी इंटेलेक्चुअलिटी भी अलग अलग होती है, इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज है वो अलग अलग होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और लास्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि सामने से दिखाई देता है, अगर किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या हाथ बहुत छोटा है, पैर बहुत छोटा है, सेरेब्रल पाल्सी है, रीढ़ की हड्डी के बाद से हिल नहीं रहा है, ये बहुत सारे और इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी में भी अलग अलग फिर आ जाते हैं, लेकिन आपको इतना लिखना काफी है। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी या कॉज ऑफ डिसऑर्डर, तो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर दोनों एक ही जैसा सेम है, तो इसको मैं बच्चों को याद कराने के लिए हमेशा बोलता हूँ कि शुरू कीजिए तो एक सिक्वेंस में तो याद आएगा, जैसे एक बच्चा है छोटा और वहां से अगर स्टार्ट ले, या फिर एक बड़ा आदमी आपको दिखाई दिया
कि डिसेबल्ड है किसी भी कारण से, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कोई भी डिसेबल्ड है, तो किस किस कारण से हो सकता है? तो उसका कारण अगर हम शुरू से लेकर चले तो हो सकता है वो जेनेटिकली हो, तो जेनेटिक और हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स उसके चलते हो सकता है डिसेबल्ड हो या डिसऑर्डर हो उसके अंदर। जैसे ही मान लीजिए जन्म तो ठीक लिया था, लेकिन जैसे ही पैदा हुआ इन्वायरमेंट इन्फेक्शियस था, इसलिए कोई ऐसी बीमारी लगी, कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस पकड़ लिया जिसके चलते जो है वो ऐसा हो गया। जैसे आप जानते होंगे पोलियो भी एक वायरस से ही होता है, तो इस तरह का कुछ पोलियोग्रस्त हो गया, डिसेबल्ड हो गया। तो ये यानी कि पहला जेनेटिक हेरिडिटी, जन्म लेते ही इन्वायरमेंट में आया, इन्वायरमेंट में आने के बाद उसको बेचारे को ठीक से खाना नहीं मिला, मदर्स फीडिंग नहीं हुआ, ठीक से खाना नहीं मिला, किसी भी कारण से माल न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ बैलेंस डाइट या माल न्यूट्रिशन, ये तीसरा हो गया। माल न्यूट्रिशन भी नहीं था, ठीक ठाक खाना खाया लेकिन उसका मेडिकेशन ठीक से नहीं हुआ, जब वो बीमार हुआ तो उसका मेडिकेशन जो होना चाहिए था, गरीब लोगों का अधिकतर नहीं हो पाता, उस कारण से भी डिसेबल्ड हो जाते हैं बहुत सारे गरीब लोग। तो वो इकोनॉमिकल कंडीशन भी इससे जुड़ा हुआ है, तो लैक ऑफ मेडिकेशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, गरीबी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। और अब गरीब किस कारण से लोग रह जाते हैं ये एक अलग विषय है, और इस पर चिंतन हम लोग फिर कभी और कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन, हजार्ड्स, डिफरेंट जो हजार्ड्स होते हैं, जैसे पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी एक आप लिख सकते हैं, और एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स के कारण बहुत मास लेवल पर पूरी दुनिया में लोग डिसेबल हो रहे हैं एक्सीडेंट्स के कारण। वार, युद्ध जब होता है तो बहुत लोग, एटॉमिक जब वार चलता है, तो जब न्यूक्लियर वार चलता है और उस समय जो है न्यूक्लियर वीपन्स से जब लड़ाई होती है, तो उसके अपने फ्यूजन कारण जो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में इस तरह के पार्टिकल्स पैदा होते हैं जो कि लोगों को जो है डिसेबल्ड बना देते हैं, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर उस समय बढ़ जाता है अचानक। हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिरा था उसके प्रभाव से कई सालों तक, और अभी तक भी सुनते हैं कि जेनेटिकली कोई कोई लोग वहाँ पर जो है जो उसमें प्रभावित हुए थे, तो वहाँ अभी भी डिसेबल्ड और डिसऑर्डर वाले पर्सन पैदा होते हैं ज़्यादा कंपेरेटिवली। यानी कि वार, एक्सीडेंट्स, ये सारे मेजर कॉजेज में हैं, और ये आप सिक्वेंस में लिख सकते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकेशन, एडेप्टिव फिजिकेशन ये भी इसका एक पार्ट है। तो पहले तो एडेप्टिव फिजिकेशन है क्या, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन और इंक्लूसिव फिजिकेशन, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मैं जब कॉपी चेक करने गया दो चार साल पहले, तो टीचर्स में आपस डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ भी कन्फ्यूजन था लोगों में। जब आप किसी भी चीज़ को अडेप्ट करते हैं किसी खास लोगों के लिए, जैसे CWSN के लिए जब हम फिजिकेशन में कुछ नई चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, 1853 में ही पहला एक स्कूल था बॉस्टन में, वहाँ पर जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस स्कूल का, वहाँ पर ही सबसे पहले डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो है फिजिकेशन का एक डिपार्टमेंट बना था, और वहाँ पर प्रयोग शुरू हुआ था, यानी कि कई साल पहले, करीब 170 साल पहले ही वो स्टार्ट हो चुका था। और अभी जो है पूरी दुनिया में हर एक स्कूल में अभी कर दिया गया है कि आपको CWSN के लिए भी व्यवस्था रखनी है। CBSE बोलते हैं कि हर एक स्कूल में होना चाहिए, CWSN के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है, और कोई नहीं जानता कि कब की कोई एक्सीडेंट कारण डिसेबल्ड हो जाए, या किसके घर में कोई डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो, ये हम लोग इससे कोई जानते नहीं। और जब कोई ऐसा हो जाता है तो हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं, उसको उतना ही प्रेम मिलने का अधिकार है जब वो पैदा हुआ है, तो जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है, हर किसी का अधिकार है उतने ही प्यार और प्रतिष्ठा से उसको पालना। तो ये जो है एम एंड ऑब्जेक्टिव एडेप्टिव फिजिकेशन कहता है कि फिजिकेशन का वो पार्ट जिसको कि अडेप्ट किया गया है CWSN के लिए, चिल्ड्रन स्पेशल नीड के लिए। तो अभी भी हमारे खुद की जानकारी बहुत कम है कि किस तरह से किस तरह ट्रीट करना चाहिए किस तरह के लोगों को, जैसे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो है थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा हमारे घर में भी है, हमारी भांजी है जो कि हमारी बेटी के तौर पर यहाँ हमारे साथ हैं। तो जो है
हम लोग खुद नहीं जानते इस पर, कभी कभी अध्ययन करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते, हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं कहीं ना कहीं रुकावट है। लेकिन जो है फिजिकल एक्टिविटी सबके लिए फ़ायदेमंद है, आप जो है फिजिकल एक्टिविटीज वहाँ कर सकते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक्सेस मेक एक्सेसिबल द फिजिकल एक्टिविटीज इन्वायरमेंट या फिजिकल एक्टिविटी इक्विपमेंट, दोनों अलग अलग पॉइंट कर दिएगा, फिजिकल एक्टिविटी इन्वायरमेंट, फिजिकल एक्टिविटी इक्विपमेंट इजिली एक्सेसिबल फॉर CWSN, सोशलाइजेशन ऑफ CWSN, फिजिकल ग्रोथ ऑफ CWSN, CWSN एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सबसे जोर देना है, मेंटल ग्रोथ ऑफ CWSN, मेक इन्वॉल्विंग देमसेल्फ एज ए जनरल सिटीजन, वो एक एम हो गया, एम एंड ऑब्जेक्टिव एडेप्टिव फिजिकल सन है, इसके लिए हम एडेप्ट करते हैं। पांच छह पॉइंट आपको दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSN, वेरियस प्रोफेशनल अभी बड़े बड़े स्कूल जो है उसमें जो है आजकल ये छह जो आपके सिलेबस में है ये छह की वैकेंसी हो रही है बकायदा। तो एक PET तो आप लोग सभी जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि हम लोग हैं, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी होती तो हम लोग का भी अभी जो मास्टर्स का पार्ट आ रहा है उसमें CWSN को कैसे डील करना, उसको कैसे पढ़ाना है, पहले नहीं था 98 में जब हम लोगों ने किया था तो उस समय जो है ये नहीं था, लेकिन अब जो 2008-10 में मैंने मास्टर्स जब किया था तो उस समय आ गया था एक पार्ट कि CWSN के कुछ बच्चों को किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। तो बेसिकली वो सारी सुविधाएं स्कूल में बहुत बार नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वहां पर है हम लोगों को कैसे करना हमको। तो PET के अलावा काउंसलर अभी हर एक स्कूल में दो तरह काउंसलर है, एक तो काउंसलर होता है जनरल काउंसलर जो कि सभी बच्चों के साथ डील करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो किस तरह से डील करना उनसे, तो काउंसलर ये काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, और बड़ों के लिए भी काउंसलर जरूरत पड़ती है जो कि साइकेटिस्ट जो है वो काउंसलिंग का काम करते हैं। तो ये जो है काउंसलर और PET और स्पेशल एजुकेटर भी हैं जो कि आपके CWSN के बच्चों के लिए स्पेशली किस तरह से उनको सिखाना है, किस तरह से पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब तीन आपके हो गए, कौन कौन, PET, स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर, लेकिन तीन और कौन है, तो तीनों में थेरापिस्ट छिपा हुआ है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ बता रहा हूँ, किताब में एक साथ नहीं है, बीच बीच में है, लेकिन हमने कहा कि थेरापिस्ट को एक साथ कर दो। एक तो फिजियोथेरापिस्ट, थेरापिस्ट कहते किसको है, तो थेरापिस्ट जो किसी स्पेसिफिक चीज को हील करने के लिए काम करता है। तो फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए काम किया जाता है, जैसे पैर का प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज बताया गया ताकि वो ब्रेन और बॉडी में संदेश ठीक से जाए और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पहुँचे, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचे और वो ज़्यादा जल्दी से हील हो, या ज़्यादा वर्स कंडीशन में न जाए उसमें उसको स्ट्रेंथन करना मसल को धीरे धीरे, वो हुआ थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट। एक स्पीच थेरापिस्ट होते हैं, स्पीच थेरापिस्ट वो होते हैं जो स्पीच के लिए काम करते हैं, जैसे बोलने में लड़खड़ाहट है, जबान में अगर बोलने में स्टमरिंग है, इस पर भी एक पिक्चर निकला होता सर करके, उसमें जो उसकी हीरोइन थी पूजा भट्ट, उनको स्पीच में प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि गाना गाओ, गाना गाने के दौरान आप उससे बाहर हो सकते हैं, तो इस तरह से वो एक पिक्चर का एक पार्ट था। लेकिन स्पीच थेरापिस्ट स्पेशली उसी के लिए होते हैं कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, स्टम्बरिंग है, बोल नहीं पाते हैं या कुछ कुछ विशेष शब्द बोलने में परेशानी होती है, उनको कैसे डील करते हैं, तो वो स्पीच थेरापिस्ट हैं। और एक होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से बच्चों को डिफरेंट वर्क करने के, अलग अलग तरह के वर्क करने के लिए, और उस अलग तरह वर्क को किस तरह कराया जाए CWSN से, उसके लिए वो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं। तो ये छः पार्ट है, इस तरह से पूरा चैप्टर कम्प्लीट होगा। तो आपका ये पूरा चैप्टर मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर क्या है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी समझ में आ गया, एम एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। तो इसको एक दो बार अगर डाउनलोड करके इस वीडियो को सुन लीजिएगा पूरा, तो आपका ये चैप्टर मुझे लगता है पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए और पूरे आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।